अयोध्या धाम में स्थित राम की पैड़ी पर हमें कुछ बच्चे टहलते हुए मिल गए और इनके पास सांप है, तो हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पास ये कहाँ से आया, इनको किसने दिया, अभी इनकी इतनी कम उम्र है और ये इतनी खतरनाक चीज इनके पास कैसे आई। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? क्या नाम है? अजय। यहीं रहते हो अयोध्या में ही? अयोध्या में कहाँ रहते हो, किस जगह? राम पैड़ी। अच्छा, राम पैड़ी पे रहते हो। ये जो सांप है ये कहाँ आया तुम्हारे पास, कैसे आया? पकड़ लाया था। कहाँ से पकड़ के लाए थे? जंगल। अच्छा, तुम गए थे पकड़ने? फिर अच्छा, पापा गए थे पकड़ने, तो वहाँ से पकड़ के लाए, तो ये अगर काट ले तो किसी को? किसी को नहीं काटते, जहर निकला है। अच्छा, इसका जहर निकला हुआ है, तो कैसे निकाल तू वहाँ से पकड़ के लाए? तो जहर जड़ी बूटी रहता है। अच्छा, जड़ी बूटी रहता है। अच्छा, इनको मतलब सांप कुछ खाते भी है? मुझे पता नहीं है इस बारे में, क्या खाते हैं ये? दूध भी पीता है, चावल का माल खाता जो फनता है। अच्छा हाँ, चावल के बाद में जो सफेद सफेद झाग सा होता है, आटा घोर के दे दोगे तो पी लेगा। अच्छा, तो दिन में सुबह शाम आप इन्हें कुछ खिलाते हो या ये मतलब दोपहर में कितनी बार खिलाते हो? सुबह शाम खाता है बस। अच्छा, सुबह शाम खाता है, तो दूध कितना दूध पी लेता होगा कटोरी में? इतना पीता। अच्छा, इतना दूध पी लेता है, तो ये पूरे दिन आप इसके जरिए कमाई करते हैं, तो जैसे लोग मतलब क्या दिखाते हैं, कैसे कमाते हैं पैसे, क्या करते हैं? इसको घर में रख दे। अच्छा, ये काटता नहीं है? अच्छा, मतलब अगर किसी को भी उठा के कहीं भी लगा दें। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा इसके मुंह से कुछ सफेद सफेद निकल रहा था, वो दूध उगल रहा था। अच्छा, ये दूध उगल रहा था, इसने ज्यादा पी लिया होगा? ज्यादा पी लिया। अच्छा, तो ये कितने दिन तक मतलब जैसे एक सांप होता है बदलते रहते हो समय समय पर या? बदल देते हैं समय समय। कितने टाइम बाद? जैसे दो चार दिन के बाद इसको छोड़ देंगे तब दूसरा। अच्छा, इसको छोड़ देंगे, जंगल में छोड़ दोगे? हाँ। अच्छा, तो फिर ये तो जंगल में अगर मान लो भटकता रहे, लेकिन अगर इसने किसी को काट लिया तब भी कोई वो नहीं होगा? कोई भी ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो इसको कुछ सिखाते हो खाते हो कुछ, कैसे ये चुपचाप कैसे बैठा है? ये सब जड़ी बूटी इसको सुंघा देते हैं, मस्त रहता है इसे बैठे रहे। अच्छा, जड़ी बूटी किस चीज की बनती है जड़ी बूटी? वो जड़ी बूटी कहाँ से मिलती है? वो जंगल से लेकर आते हैं। जंगल से इसे बनी बनाई तो मिलती नहीं होगी कि बनी बनाई मिलती है? पेड़ के नीचे रहते। कौन सा पेड़? अब वो पेड़ हमारे पापा लोग। अच्छा, पिताजी लेकर आते हैं वो सारी जड़ी बूटी बनाकर। तो इसको सुंघाते कैसे हो, मतलब क्या करते हो, किस तरीके से? इसको ऐसे लगा देते बस, सूंघ ले तो मस्त हो जाता। अच्छा, तो वो जड़ी बूटी जो है वो कितनी देर तक काम करती है? वो हाँ, हफ्ता भर। मतलब अगर एक बार वो जड़ी बूटी इसे सुंघा दिया तो वो हफ्ते भर ये मस्त रहेगा? हाँ। तो वो क्या चीज़ होती, नशीली कोई चीज़ होती है या कुछ और? ये नशीली, आदमी सूंघ लेगा तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, आदमी सूंघेगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसे सांप सांप सूंघेगा तो मस्त हो जाएगा। अच्छा, तो ये इसके दांत वांत भी तोड़े जाते हैं, क्या कुछ किया जाता है इसमें? इसका सिर्फ जहर वाला थैली निकाल देते हैं, दो दांत जहर वाला निकाल देते हैं। थैली क्या होती, कहाँ पे होती है इसकी? यहाँ पे होता है। अच्छा, तो कैसे निकालते हैं उसको, मशीन से या? चिमटी रहता है। अच्छा, चिमटी रहता है, तो थैली मतलब दांत जो होता है दांत भी निकाल लेते हो? अच्छा, ये जो सांप जहाँ ढूंढने जाते हो जंगल में, तो मिलता कैसे है आपको, आपको कैसे पता कि यहाँ पे सांप मिल जाए? ढूंढने जाते हैं। ये तो अभी बता रहे थे जंगल में, जैसे देखा ये घर निकला है यहाँ पे, उसके जंगल के पास घर में, जैसे घर के बगल में, जैसे किसी के घर में अगर सांप निकलता है तो वहाँ से आप लोग जाते हो और वहाँ से निकाल कर लाते हो, तो वहाँ कैसे निकालते हो? अच्छा, जैसे जो होता नहीं कि बीन उन बजाने का कुछ? हाँ, बीन जैसे जब आप जंगल में है उसमें, हाँ, घर में, हाँ, तो बताया बीन लेकर जाते हैं, बजा के निकाल लाते हैं और बैठा रहता है। अच्छा, जब बीन आप बजाते हो तो सांप बाहर निकल के आ जाता है, तो क्या वो गुस्से में होता है उस वक्त या फिर क्या होता है, मतलब उसका? गुस्से में रहता है। जब बीन बजा के आप बाहर निकालते तो गुस्से में होता है, तो उस वक्त तो बड़ा मुश्किल होता होगा संभालने में, जड़ी बूटी रहता है। अच्छा, उसी वक्त सुंघा देते हो जड़ी बूटी? उसी वक्त सुंघा देते। अगर किसी को मान लो मस्त ना हो और इसका जो नशे वाली जो चीज आप इसे सुंघाते हो और उसका असर खत्म हो जाए और इसने किसी को काट लिया, तो क्या जैसे वो जहर वाली थैली तो रहती नहीं है, तो किस तरह से खरोच आती है, कैसे पता चलता है, मतलब निशान पड़ता है, क्या होता है? ये जब काटता है तो खून निकलने लगता। अच्छा, खून निकलने लगता है, बस जान जाती है। अच्छा अच्छा, इस दौरान जब आप लोग बाहर से वहाँ से पकड़ने जाते हैं तो कभी किसी को इसने डंक मारा, मतलब काटा भी? तो क्या कैसे बचते हैं वो? जड़ी बूटी रहता है उसको पीस के पी लेते हैं। अच्छा, जड़ी बूटी, तो जड़ी बूटी साथ लेकर चलते हो? यहाँ घर पे रखा। अगर मान लो जहाँ पकड़ने गए वहाँ काट लिया तो घर आने तक का मौका मिल जाता है? नहीं, हाँ, हम सब जब सांप पकड़ने जाते हैं साथ में लेकर जाते हैं, तब साथ में लेकर जाते हैं। अच्छा, ये नागिन है, ये काटी भी सकती है? नहीं काटी। अच्छा, आप देख सकते हैं, मैं इसे, मुझे डर भी लग रहा है। और अच्छा, इसमें काफ़ी ये तो नरम है, मतलब ये बीच में हड्डी भी है इसमें, तो
हमने यहाँ पे आपको ये दिखाई सांप के बारे में बताया आपको और ये स्टोरी और सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी और क्या आगे भी आप इस तरह की अनोखी स्टोरी देखना चाहते हैं या नहीं। और इन बच्चों के बारे में अगर आप कभी अयोध्या जी आएँ तो यहाँ राम की पैड़ी पर यह बच्चे आपको घूमते हुए मिल जाएंगे, आप इनसे ज़रूर मिलिए। और अगर आप इनको कुछ खाने पीने की चीज़ें दे सकते हो तो ज़रूर मदद कीजिए, हालाँकि 200-250 रुपये कमा लेते हैं एक दिन में। चलिए अब हम आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यानी सन राइज़ न्यूज़ के साथ।